बाइट का शॉट था। जय हिंद एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो आज के व्लॉग में हम थोड़ा सा एक चैलेंज टाइप, एक गेम टाइप करने वाले हैं। पहली बार मैं सिकंदर के ऊपर बैठा हूँ अपनी एयर गन लेके, और आज प्लानिंग ये है, अगर आपको उधर वीडियो में दिख रहा हो तो सामने कुछ बलून हमने लगाए हुए, उन बलून्स को हिट करना है, निशान लगाना है। लेकिन इस चैलेंज का या इस कंडीशन ये है कि घोड़ा चलती पोजीशन में होना चाहिए, क्योंकि भाई चलती पोजीशन में होना चाहिए। और चैलेंज किस चीज का ये भी बता दो, शर्त लगी हुई हमारी, अगर आप 10 मिनट का टाइम लगेगा, 10 मिनट में सारे गुब्बारे फोड़ दोगे तो कोई हमने वो रखा था सरप्राइज। 10 मिनट में तो नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि इसमें एक एक दाना चलता है, ऐसे थोड़ा ना करो यार, मतलब। और पहला एक्सपीरियंस है मेरे को कोई। चलो 15 मिनट हो गया, 15 मिनट का टाइमिंग का हटा दो, वैसे देख लेते हैं। चलो आज टाइमिंग ठीक है, आज टाइमिंग हटा दो, अगली बार ना पिस्टल से करेंगे, रिवॉल्वर से करेंगे तो आसान रहेगा। एक तो भारी इतना है, ऊपर से सिकंदर को एक्सपीरियंस नहीं है, अब इसका साउंड है वो अलग रहेगा, यहाँ से चलेगा निशाना। अरे मेरे पे ना चला देना खाली है अभी उससे ठीक है, अब लोड करता हूँ। देख लो भाई एयर गन है कुछ, वैसे मत समझ जाना, और मेरे मुंह में दाने भी हैं बोलते हुए अंदर ना चला जाए एक दो, या मुंह से फायर कर रहे। ये हो गया है लोड, अब अवलीन डर मत सिकंदर, डरना नहीं है, देख इज्जत की बात है, आज पहली बार तेरे साथ कुछ ऐसी हरकत कर रहा हूँ मैं, बचा के रखियो मेरे रिस्पेक्ट। चलो पहले करें रेडी करें, सिनेमैटिक शॉट्स दिखा दे फिर। हाँ, एक दो पहले सिनेमैटिक दिखा देते हैं वार्म अप वाले। ठीक है एक निशाना मैं लगाने वाला हूँ घोड़ा खड़ा करके, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि भागते घोड़े पे लग पाएगा, पहला एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं बलून हमारा फूटेगा कि नहीं। तो खड़े घोड़े पे तो लग गया निशाना, अब भाई भागते हुए देखना है कि लगेगा कि नहीं लगेगा। सो फर्स्ट बलून तो हमने खड़े घोड़े पे लगाया, निशान लग गया, अब भागते घोड़े पे, अब देखते हैं लास्ट के तीन में से कोई से एक पे लगाऊंगा, कौन से पे लग पाएगा। भगवान बस आज एक दो ही फूट गया ना, मेरी इज्जत रह जाएगी भाई, एक बार बता रहा हूँ मैं। चलिए देखते हैं, चल भाई सिकंदर, चल सिकंदर तो खड़े खड़े पे तो मेरे को एक्सपीरियंस तो खैर नहीं है, बट हाँ खड़े घोड़े पे तो मैं निशाना डेफिनेटली लगा सकता हूँ। अभी जैसे आपने देखा होगा कि एक शॉट जैसे ही हमने लिया और तुरंत हो गया, अभी दूसरा शॉट है। तो अभी हम लोग अपनी इस एयर गन के आगे साउंड कॉक लगा के फायर करने वाले हैं, उसका रीजन कोई निशान लगा नहीं, उसका रीजन है कि सिकंदर के अंदर जो पटाखों का डर है, साउंड का डर है, उस डर को निकालने के लिए हम लोग साउंड कॉक लगाएंगे, फायर करेंगे और सिकंदर का रिएक्शन उसमें रिकॉर्ड करेंगे कि सिकंदर का रिएक्शन कैसा आता है। लव साउंड कॉक क्या होती है आप देख सकते हो, छोटी सी प्लास्टिक की एक ये होती है, इसके अंदर बारूद भरा है, ये केवल साउंड करती है, आवाज करती है, इसके अंदर कोई हार्म वाला नहीं है, लेकिन हाँ सिकंदर का रिएक्शन क्या होने वाला है वो डेफिनेटली जरूर हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी साउंड कॉक को बड़ा सिंपली हमने बस इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। टाइट क्या तो हो गया पूरा, मैं देख लेना पूरा टाइट है, एंड लेट्स सी अब इसका रिएक्शन। अरे वाह 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 वाह, बस बेटा बस 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 बस। जो मैंने शॉट लिया था सिकंदर के ऊपर बैठ के साउंड वाला शॉट, ताकि सिकंदर का डर निकले, अभी एक शॉट मैं लेने वाला हूँ सिकंदर के लगाम हाथ में पकड़ के और अलग से, उसके बाद फिर हम एक शॉट लेंगे जिस शॉट में हम सिकंदर को खुला छोड़ देंगे ताकि हमारे पास ही खड़ा रहे। ठीक है जी, चलो रेडी। सो आपने सिकंदर के ऊपर बैठ के देख लिया, सिकंदर के नीचे खड़े होकर देख लिया, अभी मैं एक फायर देने वाला हूँ सिकंदर को छोड़ के, लगाम मैंने छोड़ दी है, अब मैं देखता हूँ कि सिकंदर का रिएक्शन क्या होने वाला है रियल साउंड के साथ। बस बेटा बस, भाग गया हट जा। तो सिकंदर हमारा जो है गन शॉट के बाद भाग के चला गया, जो कि बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे हम इसको ऐसा ट्रेनिंग करेंगे कि हमारे पास में ही खड़ा रहे। लेकिन मेरे लिए बहुत कॉन्फिडेंस वाली बात है कि इसके ऊपर बैठ के मैंने फायर किया तब भी ये खड़ा था,
इसके पास लगाम पकड़ के फायर किया, तब भी ये खड़ा हुआ था, डरा नहीं था। और जब लगाम छोड़ के हमने फायर किया तो भाग के जरूर गया, लेकिन डर के नहीं भागा, उसमें अंदर हैबिट है कि अपने उसको रूम में पहुंचना है, शाम का टाइम हो गया है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, एंड साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी चैलेंज आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कम्प्लीट दिस चैलेंज। चैलेंज लीगल होना चाहिए, कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो। एंड साथ ही साथ अभी बहुत जल्दी मैं आर्चरी भी करने वाला हूँ सिकंदर के ऊपर बैठ के। अब ऐसी बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हम पोलो का भी ग्राउंड रेडी कर रहे हैं, जो ग्राउंड आपको बड़ा सा दिख रहा है इसके बीच की फेंसिंग हटा के इसको हम रेडी करेंगे पोलो के लिए, एंड एक पोलो ग्राउंड बनाएंगे और इसके ऊपर बैठ के पोलो भी खेला करेंगे। और धीरे धीरे मैं इसको जंपिंग की भी ट्रेनिंग दूंगा, इसको हम शॉ जंपिंग के लिए भी रेडी करेंगे। अब देखते हैं कि सिकंदर क्या क्या कर सकता है, कि कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। लेकिन हाँ, एक बात गारंटी है, आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर मैं हर तरह की क्वालिटी सिकंदर के अंदर इनकलकेट कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, एंड वो भी एक स्टेलियन के साथ, नॉट अ गेल्डी।